हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनील सर के साथ। आप देख रहे हैं एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड जितने भी डिफेंस एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन, और इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर के मैं आया हूं आपका अपना सुनील सर। और आज हम आपकी बेहद मांग पर, कम से कम तकरीबन 200 225 मैसेज आ गया मेरे पास, आर्टिकल पढ़ा दो सर, आर्टिकल पढ़ा दो। बिल्कुल ऐसा शानदार पढ़ाऊंगा। आपने पिछले 18 साल में जो आपकी उम्र है आपने कभी आर्टिकल नहीं पढ़े होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बट फिर वही बात आती है ना कि मैं वादा कुछ भी कर जाऊं आपसे, आपको बदले में क्या देना है? कुछ नहीं देना, सिर्फ टीचिंग देनी है मुझे और लर्निंग लेनी है आपको उससे, और उसको कन्वर्ट करना है। आइए आर्टिकल के बारे में बहुत खूबसूरत बातें करेंगे। ये सिलसिला चलेगा 2-3 दिन, जब तक कि आपकी फरमाइश पूरी ना हो जाए, अंजाम पे ना जाए, या जब तक हम 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कर लें। फिर इसको घुमा करके दोबारा लाएंगे 15 दिन के बाद, देखेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ आपको बता दूँ, सभी डिफेंस एग्जाम के लिए क्लासेस जो हैं वो डिफेंस एग्जाम्स वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, आप लोगों देख लीजिए वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स चैनल को। आप जैसे ही लिंक करोगे चैनल पर आपको सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरा उसको फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। मैं रिपीट करूँ, डिफेंस एग्जाम्स से रिलेटेड कोई भी क्लास जो है टीचिंग जो है, कॉन्टेंट और एक्सप्लेनेशन, वो आपको वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पर मिलेगा। और इसके साथ साथ डिफेंस के अलावा दुनिया के किसी भी एग्जाम को जो कि कंडक्ट किए जा रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट, मैंने क्या बोला, वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट आपके लिए लेकर गया है। जो लाइव टेस्ट हमारा जो चैनल है वाईफाई स्टडी ग्रुप का, जो कि पार्ट है अनअकैडमी ग्रुप का, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। इस पर आपको पेपर को सॉल्व करने की कंप्लीट मैथडोलॉजी सिखाई जाएगी। तो आज ही पहले सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद चैनल को देखें, लाइक करें, है ना, एक एक वीडियो को और अपने फॉरवर्ड करें से अपने फ्रेंड्स पे, रिलेटिव्स पे, या कजिन से, आपके भाई बहन, जो भी यार दोस्त हैं, मित्र सखा रिश्तेदार, आपकी हम उम्र जो भी आपको दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए। आइए हम चलते हैं आर्टिकल सेगमेंट पे, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। क्या बोला मैंने, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। इस पैटर्न को अगर हम लेके चलते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम किस में चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी सेटिंग में चलते हैं, और सेटिंग में हम लगाते हैं, देखें कुछ ऐसा जो आपको बेहतर समझ में आ जाए। चलिए लगा दिया। स्लाइड के हिसाब से मैं अगर आपसे कहूं यूज माने प्रयोग किसका, ऑफ आर्टिकल्स, तो 3 तरह के आर्टिकल पता है आपको, ये द और इसको दी भी बोलते हैं, और ये ए और एन। ये इंडेफिनिट होता है। क्या होता है दोस्तों, ए और एन ये दोनों जो है इनको इंग्लिश में हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कौन से आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। मैं इसको अलग कर देता हूं थोड़ा सा पेन से। तो ए एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इसका मतलब ये किसी भी अनस्पेसिफिक या कोई बिल्कुल साधारण जो अनिश्चित वस्तु है एक वचन, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो द है जिसे आप वॉवल के साथ में दी भी बोलते हो वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये एक वचन बहुवचन दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। अब आर्टिकल में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। आपको एक ही चीज आस्क करनी है कि आपका जो नाउन है, इज द नाउन जनरल, क्या मेरा नाउन जनरल है, यानी कि आम है, कोई भी, एक सेब देना, एक केला देना, एक काम कर सुन, एक पेन दे मुझे, एक काम कर सुन, कोई भी, एक किताब दे मुझे, ऐसे में तो वो नाउन जनरल होगा, और जनरल होगा तो आप ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे में इफ द नाउन इज जनरल, अगर आपका नाउन कोई भी जनरल है, कोई भी एक किताब, कोई भी एक पेन, कोई भी एक पेपर, कोई भी एक पेंसिल, कोई भी एक अखबार का जो है वो एडिशन, कोई भी एक आपके पास कोई नॉवेल है, उपन्यास है, उन सब के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में सुन लेना, इंग्लिश में नोट्स चल रहे हैं तो हिंदी में बताऊंगा, अज्ञात, अपरिचित, है ना, अनजानी, नई, अजनबी, बिल्कुल प्रथम दृष्टि आपको जो उल्लेख में मिलती है वो आपकी अनस्पेसिफिक या इंडेफिनिट थिंग होती है, और उनके साथ केवल ए और एन का प्रयोग करना होता है। और जरा सा मैं लिख दूं इसको कि इसका प्रयोग, ए एन का प्रयोग केवल सिंगुलर के साथ किया जाता है, प्लूरल के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है जरा वो भी सुन लीजिए। ए और एन ये जो दो आर्टिकल है, ये जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब ये इंडिकेट करेंगे किस चीज को, बतलाएंगे, ये इंडिकेट करेंगे, बतलाएंगे सिर्फ ऐसी चीज को जो कि क्या है, जो कि अनजानी, अजनबी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, टेक अ पेंसिल, एक काम कर, एक पेंसिल ले और एक ड्राइंग बना। कोई भी एक पेंसिल लेनी है आपको, आपके पास 8-10 पेंसिल होगी, छोटी बड़ी, चीली बिना चीली, उसमें से कोई भी एक अनस्पेसिफिक पेंसिल आपको ले लेनी है। एम आई राइट, समझ गए होंगे शायद आप।
फिर ऐसे ही हम एग्जाम्पल देते हैं, आई वन, मैंने जीता $100, $100 इसका मतलब $100, $100 मैंने जीते हैं, पता नहीं कौन से, स्पेसिफिक नहीं है इसलिए ये रहा, ठीक है। तो ये एक एक के लिए प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन डू नॉट यूज ए और एन विद द प्लूरल नाउन। मैंने क्या बोला आपसे, डू नॉट यूज, तो आप इसको कैसे कनेक्ट करते हैं जरा आप उसको देखेंगे कि हमारा मकसद क्या है। ए और एन का प्रयोग डू नॉट यूज यानी कि न करें, कब न करें, जब आपका अगला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, ये इनकरेक्ट है जब हम कहते हैं कि इसको नहीं बोलना आपको, राइट, और इसको बोलना है। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे, ऊपर चलेंगे मेरे साथ। दे टॉक्ड अबाउट अ गुड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स, तो ये जो एस लगा हुआ ना दोस्तों, ये जो एस लगा हुआ है, ये एस लगने की वजह से नाउन क्या हो गया है दोस्तों, ये नाउन प्लूरल हो गया है, इसलिए इसके साथ में ये ए का प्रयोग क्या था, गलत था। तो हमें इसको कैसे बोलना था, दे टॉक्ड अबाउट अ गुड, और इधर आ गया हम, तो हमने कह दिया अ गुड रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में अभी यहां देखिए आप एस नहीं लगा हुआ है ना, इसको हिंदी में रेस्टोरेंट कहते हैं, रेस्टोरेंट इंग्लिश में कह सकते हैं आप इसको, टू विजिट। तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों, ये आपका हो गया सिंगुलर, क्या हो गया आपका, ये सिंगुलर हो गया, एम आई राइट। तो ये अगर सिंगुलर हो गया तो आप इसको सिंगुलर के रूप में प्रयोग करेंगे, और करेक्ट स्पेसिफिक रेफरेंस क्या होगा, दे टॉक्ड अबाउट, अब द का प्रयोग कब करेंगे, दे टॉक्ड अबाउट द गुड इटालियन, वर्ड क्या आया साथ में, इटालियन रेस्टोरेंट, ये जो वर्ड देख रहे आप, रेस्टोरेंट कहां पे है। द क्यों लगाया हमने, हमने द इसलिए लगाया, यहां पर बात किसकी हो रही है, एक किसी भी दुनिया के रेस्टोरेंट की नहीं, द गुड इटालियन, वो इटालियन रेस्टोरेंट जो कहां है, जो मेन स्ट्रीट में है, मेन स्ट्रीट में अगर है तो ये इटालियन रेस्टोरेंट जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है, क्या है, एस पी ई सी आई एफ आई सी, हिंदी में फिर से कहता हूं आपको यार नजर आना चाहिए क्या, कि खास वो ही, खास वो ही रेस्टोरेंट, खास वो ही रेस्टोरेंट जो कहां है, जो मेन स्ट्रीट में है, वो रेस्टोरेंट जो मेन स्ट्रीट में है, और ऐसे में आपका क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पा रहे हैं और इसको फॉलो भी कर रहे होंगे, एम आई राइट। तो हम क्या करेंगे अब चलेंगे हम अगली सीरीज में थोड़ा सा, और क्या करेंगे हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूज ऑफ ए एंड द के पहले पर्टिकुलर सेंस में। ये वाला पॉइंट देखेंगे अब आप मेरे साथ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैं मार्कर जहां जहां ले जा रहा हूं, इस पार्ट पे आइए, क्या लिखा हुआ, यूज ए एज एन, ए एंड एन स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक रेफरेंस, यूज ए और यहां पर ये एंड है, एंड एन, ये जो आप अलग अलग कर दीजिए इसको, एन का प्रयोग अनस्पेसिफिक रेफरेंस के लिए करेंगे बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है, इंग्लिश वाले तो समझ ही गए होंगे, हिंदी वाले में से क्या कह देंगे हम, व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन की जो ध्वनि होती है, यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक जब आप बोलोगे, क कबूतर बोलना है, कौवा बोलना है, खरगोश बोलना है, गाय बोलना है, तितली बोलना है, मेंढक बोलना है आपको, है ना, शेर बोलना है, लड़की लड़का बोलना है, ये स्वर जो होते हैं वो नहीं, इंग्लिश के जो व्यंजन, हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में आपको इसका प्रयोग करना है, और वो भी एक वचन होना चाहिए, जैसे शी लाइक्स टू रीड अ बुक, बुक में क्या आया साउंड, बू, बू, तो बू किससे बनता है, ये बी टाइप से बनता है, तो बी क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, और इसे हम व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, और जब हम इसे व्यंजन कहेंगे तो व्यंजन करेंगे तो साउंड हमारा व्यंजन की तरह आएगा, तो हमें किसका प्रयोग करना है, उत्तर ये देखिए आपको ए का प्रयोग करना है, है ना। दैट वॉज अ फनी स्टोरी, एक और एग्जाम्पल लीजिए, दैट वॉज अ फनी स्टोरी, एक स्टोरी थी वो बहुत ही फनी थी, इसका साउंड किससे आ रहा है, फ से आ रहा है, किससे, फ से, तो फ से आ रहा है, तो फ तो आपको पता ही है एफ से बनता है, तो यहां पर भी क्या गया, जैसे कि इट वॉज ही लाइक्स टू रीड अ बुक, इसी तरह से That was a, ये देखिए सर्कल में आप, that was a funny story. लेकिन दोस्तों अगर यहां पर ऐसे होता that was interesting story, तो interesting story, funny story f से बना, interesting story i से बना, i से बनते that was an interesting, और तब आप किसको लगाओगे, an interesting story.
स्टोरी, क्या लगाओगे? एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप समझ गए तो जरा समझ ध्यान देना कि वन ऑफ मैनी स्टोरीज यानी कि ए बराबर वन भी होता है, ए बराबर वन, क्योंकि दोनों का मतलब होता है एक। ये जो आप मैथ्स वाला एक देख रहे हो ना, एक, ये जो वन है ये वन बराबर एक बोलने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आइए, यूज ए व्हेन द वर्ड फॉलोइंग इट, वर्ड्स की ओर ध्यान दें प्लीज, यूज ए। एक और अगला है कि ए का प्रयोग हम कब करेंगे, ए का प्रयोग हम कब करेंगे, उस शब्द के साथ करेंगे जो आगे आता हो, जो आगे आता हो फॉलोइंग इट, और आगे आने के बाद में उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, यानी कि आपकी ध्वनि जो निकलती है वर्ड में, जो मैंने बोला उस ध्वनि को देखना आप कि वो साउंड आपकी कॉन्सोनेंट से निकलनी चाहिए। जैसे बुक में ब और हॉस्पिटल में है और लेग में ल और वन इंच में व, वन व तो वन में व, ये वाला व देख लीजिए, मैं इसको अंडर इस गोल कर रहा हूं, और यूथ में य, यूथ में य, तो क क ग ग ड च छ ज ज है ट ट ड न त थ ध न प फ प म य र ल व, ये जो भी आपके आते हैं आगे के, है ना, ये सारे के सारे व्यंजन हैं और एक वचन है। यूथ कितने इसमें, एक। पाइप कितना है, एक इंच का, एक। टांग कितनी है, एक। अस्पताल कितना बताया गया है, एक। किताबें कितनी बताई गई है, एक। और इन सब के साथ में आपने किसका प्रयोग किया, ए का। किसका प्रयोग किया, ए का। क्यों किया ए का प्रयोग, ए का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि साउंड हमारा क्या आ रहा था, व्यंजन आ रहा था। लेकिन इसके विपरीत हमें अब चलना है, किसमें, इसमें एन। यूज एन एज एन अनस्पेसिफिक, एज एन अनस्पेसिफिक, इसका मतलब कोई चीज जो है वो हमारी अनस्पेसिफिक तो है, है ना। अनस्पेसिफिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले भी बता गया हूं आपको, अनस्पेसिफिक का मतलब है निर्दिष्ट नहीं है, खास नहीं है, ज्ञात नहीं है, सामान्य, कोई भी, कोई सी भी, कोई सी भी, कोई भी है वो क्या है, अनस्पेसिफिक। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा मजदार में, मैंने 30 साल पढ़ा है तो नेचुरल सी बात है, यूट्यूब पर और जितने इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, मेंटोर हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन उनसे मेरा थोड़ा सा नजरिया दृष्टिकोण अलग है। मैं अब इसमें एक सेकंड आपको रोके समझाना चाहता हूं कि कोई भी चीज अनस्पेसिफिक क्या है, निर्दिष्ट नहीं है, अनिर्दिष्ट, अजनबी, कोई सी भी। मान लो मैं क्लास टीचर हूं, हमारी स्कूल या कॉलेज में फंक्शन चल रहा है, मेरे सामने 40 बच्चे बैठे हैं, लड़के लड़कियां हैं, और मैं क्लास टीचर हूं, मैंने सर उठाकर किसी एक लड़के से कहा, सुनो जाओ एक लड़की को बुला के लाओ। अब एक लड़की कौन, आप मेरे साथ 11th के स्टूडेंट बैठे हो, मैं 11th का क्लास टीचर हूं, कॉमर्स का, 11th कॉमर्स का, साइंस का मैं क्लास टीचर हूं, मान लो मैं बैठा हो, फिर मैंने कहा तुम एक काम करो 12th बायोलॉजी में जाओ और 12th बायोलॉजी से एक लड़की को बुला के लाओ। अब पता उसमें 52 लड़कियां हैं, आपका दिल कहे, आपका जी चाहे, आप कोई सी भी एक लड़की ले आओ ला करके और बोलो कि सुनील सर बुला रहे, वो तो अनस्पेसिफिक हो गई ना। अनस्पेसिफिक मतलब कोई भी एक, कोई भी एक निकाल के आपको लानी है उसमें से, तो इसीलिए ए लगाएंगे। तो इंग्लिश क्या बोलेंगे, मैं इंग्लिश कैसे बोलूंगा, जैसे मान लो आप में से कोई बच्चा प्रतीक, प्रतीक स्टैंड अप, गो एंड कॉल अ गर्ल, गो एंड कॉल अ गर्ल, गेट अ गर्ल फ्रॉम 12th बायोलॉजी, अ गर्ल, एक लड़की आएगी, एम आई राइट। तो ऐसे में क्या होगा, एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी कि अनस्पेसिफिक तो है लेकिन साथ साथ एक वचन की एक और शर्त होनी चाहिए, न केवल वो अनस्पेसिफिक होनी चाहिए, न केवल वो एक वचन होनी चाहिए, बल्कि उसका साउंड जो आता है उसका साउंड भी किसकी तरह आना चाहिए, स्वर की तरह, उसका साउंड वॉवल की तरह आना चाहिए, बिल्कुल वॉवल की तरह। जैसे वॉवल का मतलब क्या हो गया, ए ई आई ओ यू से उसका साउंड आना चाहिए। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, सिंपल सी बात है, अपन इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा ध्यान देना ठीक है। एक एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं अपन, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन एप्पल का, किसका, एप्पल का। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन ओपेरा, ओपेरा शो होता है ठीक है, नाटक और गीत संगीत का। आइडिया, ईगल, एसओएस, एसओएस एक कॉल होती है ना, एसओएस एक मैसेज होता है। एसओएस के पहले क्या लगा, एन। आइडिया से पहले क्या लगा, एन। ईगल से पहले क्या लगा, एन। ओपेरा से पहले क्या लग रहा है, एन। और एप्पल से पहले क्या लग रहा है, एन। अब ऐसा क्यों है, देखिए एप्पल का साउंड है एप्पल, एप्पल। ओपेरा का साउंड है, ओपेरा का साउंड जो आ रहा है वो आ रहा है ओपेरा। ईगल का साउंड किससे आ रहा है, ईगल। आइडिया का साउंड किससे आ रहा है,
एसओएस का साउंड किससे आ रहा है? एस ओ, ठीक है, एसओ। तो एसओ में ओपनिंग साउंड किसका है? ए का है। किसका है? ए का है। और ये ओपनिंग साउंड ए का है, तो ए के साउंड किससे बना रहे हैं अपन? ऐसे। तो क्या आर्टिकल आ जाएगा? एन आर्टिकल आ जाएगा। एन एसओएस कॉल होती है ये। ये बीच समंदर में, मझधार में, जहां कोई जहाज डूब जाते हैं, तो वहां से एक एसओएस कॉल दी जाती है बचाने के लिए, कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये जहाज का कप्तान भेजता है, रेडियो पर ये मैसेज जाता है। आगे चलेंगे। वर्ड्स दैट बिगिन, क्या बोला मैंने? वर्ड्स दैट बिगिन किससे बिगिन होते हैं? दैट बिगिन विद यू, ये देख लो आप, यू और एच, यू और एच कैन हैव आइदर अ वोवेल, कैन हैव आइदर अ वोवेल और अ कंसोनेंट साउंड। अब ये डिपेंड करता है कि यू और एच से कुछ शब्द बनते हैं, इन दो से। वो कभी कभी क्या होते हैं? वो कभी कभी तो आपके वोवेल हो जाते हैं साउंड में, और कभी कभी साउंड में क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। बचपन में आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा, कभी कभी वोवेल और कभी कभी कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो मेक द चॉइस बेस्ड ऑन साउंड ऑफ द फर्स्ट वर्ड आफ्टर द आर्टिकल। ऐसे में जब आपको शब्द बोलना है तो उसका पहला ध्वनि क्या निकलती है वो देखिए, और उस हिसाब से आर्टिकल डिसाइड करेंगे। और जरूरी नहीं है वो नाउन ही हो, एडजेक्टिव के साथ भी, एडजेक्टिव के साथ भी वो आर्टिकल आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल लूंगा आपका मैं आपका, देखिए आप यहां समझिए, आप इस जगह मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यूनियन, बाद में बातें करेंगे इस पे, यूनिफॉर्म। तो यूनियन किससे बन रहा है? ये ऐसे। यूनिफॉर्म किससे बन रहा है? ये ऐसे। एम आई राइट? तो ऊपर चलिए, एकदम स्क्रीन के ऊपर देखना, ये यह जो है वो बन किससे रहा है? यू से। तो यू खुद क्या है? ये तो स्वर है, वॉवल जिसको आप कहते हो। अगर ये स्वर है यानी कि वॉवल है, तो कायदे से क्या आना चाहिए था? एन आना चाहिए था। लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है? इसका साउंड आई नहीं, यह से साउंड निकल रहा है। और यह क्या है? यह क्या है दोस्तों? यह है आपका कॉन्सोनेंट। तो यह कॉन्सोनेंट होने की वजह से आपका साउंड ए से सहमत होगा। किससे सहमत होगा? ए यूनिफॉर्म और ए यूनियन, ठीक है। लेकिन साउंड बदल जाए, फिर देखिए, अब ये फिर से यू आ गया है, नीचे लिख रहा हूं, नीचे ध्यान देना। लेकिन अब इसकी, अब इसका आप आवाज कैसे दोगे? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो इसको देख लो शुरुआत में, बाकी अंदर का छोड़ दो। ओपन कहां से हुआ? अनबिलीवेबल। अन, तो अन क्या है दोस्तों? स्वर है। क्या है? स्वर है। वॉवल है? हाँ बोलो, हाँ वॉवल है, वॉवल है। ऊपर चलो, वापस ऊपर चलो, और ये देखो आपका क्या लग गया, एन अनबिलीवेबल इवेंट। और अगला क्या हो गया आपका? एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड इसका कहां से आ रहा है? अम अम, ये अम्ब्रेला, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? साउंड एन आ रहा है। लेकिन जैसे हम तीसरे एग्जाम्पल में चलेंगे, हमको थोड़ी सी हैरानी होगी, इसमें क्यों नहीं आया एन? उत्तर, इसमें एन इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके नीचे जो वर्ड है इसको हम बोल रहे हैं यूनिक। क्या बोल रहे हैं हम? यूनिक। तो यूनिक किससे शुरू हो रहा है? बोलिए, ये से शुरू हो रहा है, यूनिक ये से शुरू हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए ए ए। अब इसकी इंग्लिश लिख देते हैं, ए यूनिक अम्ब्रेला, एक बहुत ही विशिष्ट अम्ब्रेला, शानदार अम्ब्रेला, है ना, स्पेन का आया हुआ एक, यू नो, अजीब टच, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। और आगे चलेंगे, होटल हिस्ट्री बुक, होटल हिस्ट्री बुक हिस्टोरियन। वर्ड की ओर ध्यान देना, हिस्टोरियन हिस्ट्री बुक और होटल। अब इसके शुरुआत में चलते हैं अपन, ये साउंड किससे बना रहा है? उत्तर, ये हिंदी का एक व्यंजन है, है से हाथी। मैं इस साइड का लिख रहा हूं, नजरें ना हटाएं, है से जो हाथी बनाते हैं ना अपन, है से हाथी। तो ये है की वजह से इसका साउंड क्या आ रहा है दोस्तों? है की वजह से इसका साउंड आ रहा है क्या? ए ए, और ये ए। मैं शुरू से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप चाहेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल करवा दूंगा, पर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक टीचिंग पॉइंट नहीं। लेकिन दोस्तों आपको एक काम करना है, जरा ध्यान से सुनना, हिस्ट्री में आप ए का प्रयोग कंपलसरी करेंगे, लेकिन हिस्टोरियन में आप ए और एन का दोनों प्रयोग कर सकते हैं। हिस्ट्री में ए का प्रयोग होगा, है ना, हिस्ट्री अगर पहले आता, लेकिन हिस्टोरियन में ए और एन दोनों सही है। और हिस्टोरिक इवेंट जब आप बोलोगे, हिस्टोरिक इवेंट या हिस्टोरिकल इवेंट, तो वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। आगे मैंने एक नोट लिख रखा आपके लिए, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं,
और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तब तो सब कुछ समझ जाएंगे, अदरवाइज मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे, है ना। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं कि दोस्तों इसमें ऐसा होगा। एक वर्ड आपका हिस्टोरिक, ये देख ले आप, है ना। इसको आप ए से भी बोल सकते हो और आप चाहो तो एन से भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग पैन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में कुछ लोग होटल को भी होटल नहीं बोलते, होटल होटल। तो जो कंट्रीज है जैसे बरमूडा ट्रायंगल के आसपास, मेडिटेरेनियन सी में, वेस्ट इंडीज के आसपास जितने भी टापू वाले जो देश है, बरमूडा है, बारबाडोस है, किंगस्टन है, जमैका है, पोर्ट ऑफ स्पेन है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है, वो जो है वेस्ट इंडीज, ड्वेन ब्रावो जैसे लोग जो है ना, करन पोलार्ड जैसे लोग, वो एम ऑटेल वो ऐसे भी बोलते हैं। वो डिपेंड करता है साउंड पे आप कैसे उस चीज को लेके जाते हैं। आगे चलेंगे हमारे टीचिंग पॉइंट में एक और पॉइंट आएगा, वो क्या है, वो ये है कि इज द नाउन, अब हम द में चलेंगे दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। इज द नाउन स्पेसिफिक, क्या आपका नाउन स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक का मतलब खास, परिचित, खास परिचित ज्ञात, खास परिचित ज्ञात, जो ज्ञात आपको वो, या अपने आप में एक एक प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध अनुपम रचना है क्या? तो ऐसे में किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? ऐसे में हम द का प्रयोग करेंगे स्पेसिफिक के साथ, एंड यूज द, ये यूज द एज स्पेसिफिक रेस्ट टू कॉमन नाउन ऑफ समथिंग। आगे चलेंगे, दैट इज वन ऑफ ए काइंड, दैट इज वन ऑफ ए काइंड मीन्स, अभी अभी मैं आपको बताया हूं कि जो अपने आप में एक प्रसिद्ध अलग है, ठीक है, या एक अपने आप में अलग संकेत से। गिव मी द बुक, अब इसमें किताब तो एक ही है, वर्ड की ओर ध्यान देंगे दोस्तों। मैं जहां गोले कर दूं, ये मान लो आपकी किस्मत की रेखा जो है वो बिल्कुल मैं आपको कैद करके दे रहा हूं हाथ में, आप इसको अपने दिमाग में सजा सकते हैं। कोई भी एक बुक चाहिए, कोई भी आपको एक बुक चाहिए, तब तो अ बुक आएगा। लेकिन आपको क्या बोलना है, मुझे एक कोई सी भी नहीं, वो टेबल पे जो रखी है, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल का मतलब टेबल पर जो रखी है, इसका मतलब वो बुक आइडेंटिफाई हो गई कि वो बुक क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक है, हिंदी में लिख रहा हूं, यानी कि खास वही किताब चाहिए मुझे जो टेबल पे रखे हुई है, क्योंकि उसी किताब से मुझे नोट्स बनाने हैं, कंटेंट बनाने हैं, पढ़ाना है। तो ये खास की वजह से आ गया। जैसे हम आगे चलेंगे, द सन रोज एट 7 o'clock, द सन रोज एट 7 o'clock, सूरज उगा 7 बजे। अब सूरज उगा, सूरज आपको पता है एक सैटेलाइट है दुनिया में, अपने तरह का एकमात्र, अपने तरह का, अपनी उपयोगिता, अपने कर्तव्य और अपनी शक्ति का एकमात्र जो है स्पेसिफिक है। और ऐसे में सन, अर्थ, मून इनके आगे क्या लगाएंगे अपन दोस्तों? उत्तर इनके आगे अपन द का प्रयोग करेंगे बिना किसी झिझक के। यूज ए और एन टू इंट्रोड्यूस द नाउन फर्स्ट टाइम इट इज मेंशन, एंड देन द इज यूज आफ्टरवर्ड व्हेन द नाउन इज मेंशन। देखिए इस पार्ट की हिंदी में आपको बता रहा हूं, कोशिश कीजिए आप इंग्लिश में सीखे और इंग्लिश में देखें। ए और एन का प्रयोग तब करें जब किसी एकवचन संज्ञा को आप पहली बार बोल रहे हैं। थोड़ा धीमा बोलूं तो, जब किसी संज्ञा का पहली बार प्रयोग होता है तो आपको ए एन का प्रयोग करना पड़ता है, एक वचन, और उसी एक वचन संज्ञा का आप दोबारा से अगर वही प्रयोग करते हैं तो तत्काल बाद, तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों? तो आपको द का प्रयोग करना पड़ता है, एम आई राइट? चलिए आइए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ए और एन पीछे चलिए। ए और एन का प्रयोग आप किसी संज्ञा के साथ कब करेंगे? पहली बार जब आपको बोलना पड़े। कल रात मेरे सपने में एक लड़की आई, कल रात मेरे सपने में एक लड़की आई, पहली बार बोल रहा हूं आपसे कहानी, तो इंग्लिश क्या होगी? लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अ गर्ल, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अ गर्ल, लास्ट नाइट अ गर्ल अपीयर्ड इन माई ड्रीम, अ गर्ल अपीयर्ड इन माई ड्रीम। और वो लड़की सर से पैर तक सोने चांदी के जेवर पहने हुई थी, एंड द गर्ल वॉज ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, है ना, द गर्ल वॉज ब्यूटिफुली ड्रेस्ड विथ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। तो ऐसे में क्या होगा गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट जब मैं बोलूंगा, तो सेकेंड टाइम में बोल रहा हूं द गर्ल और पहली बार बोल रहा हूं अ गर्ल। एक लड़की आई, वो लड़की गहने पहने हुई थी, तो वो लड़की में तो द गर्ल और एक लड़की में अ गर्ल, और देन द इज यूज afterwards, तो afterwards whenever the noun is mentioned, अभी अभी मैंने बोला ना, दोबारा जब noun को mention करोगे फिर से तो the आएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया आपसे बोला, कल मेरे सपने में एक लड़की आई, a girl, और वो लड़की सर से पैर तक सोने चांदी में थी, the girl, send, ठीक है।
अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर परफेक्ट एग्जाम्पल बनाओ तो क्या होगा, आई बॉट ए, ये देखिए आप, आई बॉट ए सैंडविच, आई बॉट ए सैंडविच फॉर लंच, मैंने लंच के लिए एक सैंडविच लाई मंगाई और आई शेयर्ड, और मैंने शेयर्ड कर लिया किसको, द सैंडविच, आई शेयर्ड द, चलिए फिर से चलते अपन उसमें, आर्टिकल था आपका ये, चलिए थोड़ा सा टेक्निकली बहुत ज्यादा क्या है पता ना आपको, हाँ मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, विद माय फ्रेंड्स, ये द सैंडविच, मैंने क्या किया सैंडविच को शेयर किया किसके साथ, बोलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ये देखिए द आ गया, तो पहली बार तो क्या आया, ये आया इसी सैंडविच, मैंने एक सैंडविच मंगाई वो सैंडविच मैंने दोस्तों में शेयर की, आई बॉट ए सैंडविच, अ सैंडविच, आई शेयर्ड द सैंडविच, द सैंडविच, क्यों, क्योंकि जिक्र बाद में हुआ। तो मोस्ट प्रॉपर नाउन्स डू नॉट यूज एन आर्टिकल, हाउएवर सम डू, क्या बोला मैंने उसको, दोनों ध्यान देना प्लीज, जो बोला है उसको चेक करोगे आप, मोस्ट प्रॉपर नाउन्स डू नॉट यूज, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जिनकी स्पेलिंग बड़े अक्षरों में लिखी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उनमें आर्टिकल नहीं लगता है, उनमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ए भी नहीं लगता, एन भी नहीं लगता, द भी नहीं लगता, लेकिन लेकिन की इंग्लिश हाउएवर, जो भी हो सम डू कुछ में लगता है। अ प्रॉपर नाउन नेम्स यूनिक पर्सन प्लेस और थिंग, है ना, जैसे कि आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये गणराज्य है, संघ है और बहुत से राज्यों का समूह है, इसलिए इसके आगे क्या लग गया, द लग गया, हालांकि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे पीछे चलिए आप, वॉल्ट डिज्नी कोई आर्टिकल नहीं लगा, नहीं लगाना, और सिटी से पहले चलिए न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, नीचे देखिए आप, आई वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, और ये देखिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, यहां अगर आप द का प्रयोग करते हैं तो 100% वो वाक्य क्या है, बिल्कुल गलत है। एन एक्सेप्शन इज द प्रॉपर नाउन्स विथ एज विथ ऑफ, अब कोई गलत पढ़ा है तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है, ये धोखा है स्टूडेंट के साथ, अगर कहीं ऑफ का प्रयोग आ जाता है आगे पीछे और फिर भी वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऐसे में उसके साथ आप द का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हो, कैसे जरा देख लो आप समझ जाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इधर देखो आप, तो जो सेंटेंस आपको बता रहा हूं उसको देख लेना मार्कर को, ये क्या लिखा मैंने, द 14th ऑफ जुलाई, सिर्फ जुलाई के 14 तारीख की बात हो रही है, पर्टिकुलर ऑफ से हो गया द लगा दो, द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, 56,000 यूनिवर्सिटी है, कौन सी वर्जीनिया, बदले में क्या आ गई ऑफ, ये ऑफ आ गई, अब वर्जीनिया हटा दो, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, द यूनिवर्सिटी ऑफ कन्नौज, द यूनिवर्सिटी ऑफ दरभंगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सब में यही नियम लगाते चले जाओगे क्योंकि बीच में आ रहा है, ऐसे ही द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका तो ऑफ लग गया, तो ये लग गया प्लूरल में, द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, कहा का राष्ट्रपति, मैक्सिको का, बीच में कौन आया, बीच में आया आर्टिकल का शहंशाह ऑफ, और ऑफ ने इसको क्या दे दिया, दे दिया, और द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी तो ऐसे भी द लगेगा, एक तो लगेगा ऑफ की वजह से और एक लगेगा विश्व के 7 अजूबों की वजह से, दुनिया के जो 7 अजूबे दोस्तों उनमें सब में आपको किसका प्रयोग करना है, उत्तर आपको उन सबके साथ, 7 अजूबे दुनिया के उनके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, बोलिए फटाफट, उनके साथ आपको द का प्रयोग करना है, अजूबों के साथ, फिर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स विद, क्या लिखा हुआ आपके लाइन पढ़िए, प्लूरल नाउन्स यूज, कुछ प्लूरल नाउन्स जो है वो क्या करते हैं, उत्तर कुछ प्लूरल नाउन्स अपने साथ द का प्रयोग कर सकते हैं, आपके आईपीएल आप देखते होंगे, आईपीएल में कितनी क्रिकेट की टीमें हैं, 8 टीमें अपने पास, और 8 टीमों में क्या हो रहा है, 8 टीमों में खिलाड़ी है कि नहीं है, बिल्कुल है, हाँ है, अब 8 में खिलाड़ी तो है, लेकिन अब उनका नाम लो तो आप, जैसे आप दी, अब एक पुरानी टीम लिख रहा हूं, डक्कन चार्जर्स, या बहुत छोटे थे आप, अंगूठा चूसते थे तब ये टीम हुआ करती थी डक्कन चार्जर, 8-10 साल पहले, ठीक है ना, है डक्कन चार्जर्स, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ, प्लूरल है और ये कैपिटल भी है क्योंकि स्पेलिंग डी और सी से इसके बड़े में लिखी गई है, तो इसके साथ द लगेगा, कैसे, जैसे अमेरिका में आपको पता ही है
है ना। बास्केटबॉल टीम की एक बहुत बड़ी टीम है शिकागो बुल्स। शिकागो बुल्स क्या है? प्लस एस है, प्लस एस है मतलब प्लूरल है, तो ऐसे प्रॉपर नाउन जो प्लूरल है उनके साथ भी द का प्रयोग होगा। द जॉनसन्स, द जॉनसन्स क्या है? पूरा का पूरा जॉनसन्स परिवार है, ये द लग गया। द ब्लू रिज माउंटेन्स, ये ब्लू रिज माउंटेन्स है प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, लग गया द लग गया, क्यों लग गया? इसी तरह से नाइग्रा का जलप्रपात जो आपने देखा होगा, नाइग्रा जलप्रपात है ना, द कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है उसमें, उनमें सब में आपका क्या द का प्रयोग हो गया, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल हो गए, एम आई राइट, क्या हो गए? प्लूरल हो गए। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे में लगाएं कैसे में ना लगाएं। उत्तर सुनना, मैंने एक वर्ड लिखा यहां देखना आप, ईडन गार्डन्स। मुझसे कई बार बच्चे कहते हैं सर अनजाने अटपटे से आ जाते हैं, क्या ये सही है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका पूरा नाम है ईडन गार्डन्स। ये इंडिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन कैपेसिटी इसकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें क्रिकेट देख सकते हैं। क्या ये प्लूरल है? बोलो हाँ ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है। क्या ये प्रॉपर नाउन है? जी हाँ ये प्रॉपर नाउन है। कैसे पता? क्योंकि ये अपने आप में एकमात्र दुनिया का क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कोलकाता में है। मेरा सवाल है क्या मैं लगा दूं? आप बोलिए सर बेझिझक लगा दीजिए, समझ गए हम तो, ईडन गार्डन्स प्लूरल है तो इसके आगे द का प्रयोग किया जाना अनिवार्य हो जाता है, बेसिकली आप इससे बच नहीं सकते। आगे चलेंगे पॉइंट में, अ प्रॉपर नाउन दैट नेम्स अ ग्रुप, अ कलेक्टिवल, अ कलेक्टिव नाउन, पूरा ग्रुप बना दे तो उसके साथ भी आप द का प्रयोग करें। कैसे? द कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया, वर्जीनिया है ना, वर्जीनिया का पूरा कॉमनवेल्थ करके पूरा का पूरा एक यूनिट बन गई तो कलेक्टिव बन गया, लग गया। द यूनाइटेड अरब एमिरात्स, अरब के एमिरात्स का समूह जो है ये एस कलेक्टिव नाउन बन गया। द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, ये एस की वजह से ये भी कलेक्टिव, तो सोसाइटी है ना, एमिरेट्स है और ये कॉमनवेल्थ है। यहां ये तीन वर्ड जो है ये क्या बना रहे हैं दोस्तों? ये कलेक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कलेक्शन बना रहे हैं अपने प्रॉपर नाउन का। ऐसे कलेक्शन बनाने वाले प्रॉपर नाउन के साथ भी आपको क्या लगाना है? द लगाना है, राइट आगे चलेंगे। सम ज्योग्राफिकल फीचर्स यूजेस द, अच्छा दुनिया में कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स, कुछ भौगोलिक ऐसे अस्तित्व होते हैं संज्ञाएं जिनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। द गोबी डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल है चीन में, मंगोलिया में गोबी, तो गोबी में, गोबी जो आपका मरुस्थल है उसमें द लगेगा तो दुनिया के बाकी सारे मरुस्थल में ऑटोमेटिक द लगेंगे। अटलांटिक ओशन भौगोलिक इकाई है, जलधारा है, इसमें भी द लगेगा। पिरामिड्स जो है गीजा के वो हो चाहे सामान्य पिरामिड्स हो, अमेजन नदी है उसके पहले भी द लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा? डू नॉट यूज, डू नॉट यूज का मतलब आपको द का प्रयोग नहीं करना है। कब? देखना, जब किसी झील का नाम लेक से शुरू हो, एल्बरमार्ले कंट्री जैसी है वो, रूट 19, माउंट वेसुवियस, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों ध्यान से सुनना, झील होटल, झील होटल और पर्वत की चोटी, झील होटल और पर्वत की चोटी, झील होटल और पर्वत की चोटी के नाम से पहले द का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप बोलोगे माउंट वेसुवियस क्या है? मैं आपको बता दूं, मेरी जीके तो बहुत अच्छी नहीं है। माउंट वेसुवियस क्या है? इटली में धधकता हुआ एक ज्वालामुखी है और इटली में एक चोटी है किसी पर्वत की जहां ज्वालामुखी भी है। तो मैं इसके आगे द लगाऊंगा तो मेरा जवाब हो जाएगा गलत, इसके आगे द नहीं लगेगा क्योंकि पर्वत की चोटी, झील और होटल के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। व्हेन, एक और चीज आपको बताता हूं, व्हेन ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू यूज एन आर्टिकल, देखिए मैं बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं, जरा इस चीज को समझना। व्हेन, जब भी, ट्राइंग टू यूज या ट्राइंग टू डिसाइड कि आप वेदर टू यूज एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लगाऊं कि नहीं लगाऊं, जब आप ये प्रयास करते हैं तो क्या होता है? आस्क फॉर हेल्प इफ यू नीड, अगर आपको जरूरत है सुनील सर से आप उसकी हेल्प लीजिए और पूछिए लगाएं कि ना लगाएं, तो मैं आपको बता दूंगा क्या ना लगाएं लगाएं चैट बॉक्स में। एवरी टाइम, हर बार यू लर्न, जब आप लर्न करते हैं ए न्यू यूज ऑफ एन आर्टिकल, जब भी आप एक नए आर्टिकल का यूज सीखते हैं राइट इट डाउन। तो इसीलिए कहता हूं ना, नोटबुक लेके बैठे, ये मैंने एक बाहर की किताब जो होती है उससे ये लाइन कोट करके आपको दी है, ठीक है। रिचर्ड बैक्स्टर कहते हैं कि व्हेनेवर यू लर्न समथिंग टेक हेल्प इफ द हेल्प इज नीडेड एंड राइट इट डाउन एंड कंसल्ट द सेम टॉपिक और सेम क्वेश्चन विथ योर टीचर सो दैट यू कैन लर्न इट फॉर एवर। मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है, क्या वर्ड की ओर ध्यान देना।
एक क्वेश्चन देख रहा हूं आपके लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज की टीचिंग का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द मंथ्स आर लॉन्गर, द मंथ्स आर लॉन्गर इन डैश समर, इन समर। चलिए मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं, मंथ्स तो लॉन्गर नहीं होंगे, मैं इसको ऐसे करता हूं, द डेज आर लॉन्गर इन समर। गर्मियों में दिन जो है क्या होते हैं, लंबे होते हैं, दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या समर से पहले आर्टिकल लगाऊं, और लगाऊं तो कौन सा? एक गर्मी तो हो ही नहीं सकती, समर तो समर है। ये अनस्पेसिफिक नहीं हो सकता दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता? ये अनस्पेसिफिक इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, क्या? समर एक ही आता है साल में एक बार, तो ऐसे में हम इसके आगे नहीं प्रयोग करेंगे। आपने क्या सीखा मुझसे उत्तर? आपने मुझसे ये सीखा कि दुनिया का कोई भी सीजन है, यानी कि दुनिया की कोई भी मौसम की ऋतु है, ऋतु से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो समर में नहीं लगेगा तो विंटर ऑटम स्प्रिंग में नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जाते जाते एक बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं, एक खास समर की बात हो, खास समर की बात हो किसी एक साल की, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। मैंने अभी बोला स्पेसिफिक, जिसका दूसरा नाम है डेफिनिट। अगर स्पेसिफिक या डेफिनिट है तो आपको लगाना है। कैसे? जैसे देखिए, द समर ऑफ 1948, 1948 का साल जो था उसकी गर्मी जो थी उसने मार दिया कई हजार लोगों को। अब यहां आप दय लगा देंगे क्योंकि दुनिया के सारे समर एक तरफ, 1948 का डेफिनेट स्पेसिफिक समर एक तरफ, और इसी के साथ हमारा ये अपने अंजाम तक आ पहुंचता है, ठीक है। एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड जितनी भी डिफेंस एग्जाम थी, सुनील सर के साथ आप क्या देख रहे थे, उसकी इंग्लिश देख रहे थे। पहले मैं आपको लेके चलूं, ये भी बता दूं आपको, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको डिफेंस एग्जाम्स चैनल जो है उस पर क्लासेस मिलेगी हर सब्जेक्ट की, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, और कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड। और सभी एग्जाम्स के लिए जो लाइव टेस्ट आप देना चाहते हैं कि पढ़ना नहीं है सर, हमें तो 15-20 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करने हैं, आप फटाफट पेन पेंसिल लेके बैठेंगे, रजिस्टर लेके बैठेंगे, और वाईफाई स्टडी डेली लाइव, ये हमारा ये जो लाइव टेस्ट चैनल है, डेली लाइव टेस्ट चैनल, उसको सब्सक्राइब करेंगे, लिंक आपको मिल जाएगी, और उसके बाद में उसको प्रेजेंट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे थे आप सुनील सर के साथ में इस वक्त थे, और आप देख रहे थे आर्टिकल से जुड़े हुए हमारे एक चैप्टर को। मैं दोबारा से नए आपके लिए लेके आऊंगा इवेंट, और तब तक के लिए थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे देखा सुना पढ़ा। तब तक के लिए अलविदा।